अच्छा हुआ वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ाया, तो उनका कम से कम पॉलिटिकल करियर तो सुरक्षित रहे। स्वामी जी का देखो शीर्षासन तो मोदी जी ने ही करवा दिया। अब हम तो प्राणायाम और ध्यान ही की सलाह दे सकते हैं, इसलिए कपालभाति, अनुलोम विलोम और गीता पाठ ये जितने भी हारे हुए लोग हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ। गांधी का जो जलवा था वो क्या फेल हो गया इन चुनावों में मोदी जी के सामने? अच्छा हुआ वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ाया, तो उनका कम से कम पॉलिटिकल करियर तो सुरक्षित रहेगा। स्वामी जी कांग्रेसियों को अब योग सीख लेना चाहिए, हारे हुए लोगों को और ज्यादा नहीं सताना चाहिए, उनको कपालभाति, अनुलोम विलोम और गीता पाठ करना चाहिए, जिससे कि अपने आप को वो नियंत्रित रख सके, क्योंकि हम अपने किसी विरोधी को भी दुख दर्द पीड़ा में नहीं देखना। राहुल गांधी को कौन सा योगासन करना चाहिए? देखो शीर्षासन तो मोदी जी ने ही करवा दिया। अब हम तो प्राणायाम और ध्यान ही की सलाह दे सकते हैं, इसलिए कपालभाति, अनुलोम विलोम और गीता पाठ ये जितने भी हारे हुए लोग हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ। हमारे शास्त्रों का सबसे बड़ा उद्घोष है सत्यमेव जयते, नहीं कल्याण कृत कस्य दुर्गतिम तात गच्छति, सत्यनोत्तभिताप होगी। तो ये धरती सत्य से चलती है और कर्मफल व्यवस्था और भगवान की न्याय व्यवस्था उसको कोई टाल नहीं सकता। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नियत, उनकी नीतियां, नेतृत्व और चरित्र पर देश के करोड़ों लोगों ने इसलिए भरोसा किया कि जो उन्होंने कहा उसको डिलीवर किया, और यह चुनाव मात्र 5 वर्षों के लिए नहीं, मुझे विश्वास है आने वाले 20-25 वर्षों की भारत की राजनीति को तय करने वाला है, क्योंकि जो 100 से अधिक राष्ट्र निर्माण की योजनाएं मोदी जी ने शुरू की थी उनका फाउंडेशन डल गया था, अब उस पर विकास का भवन जो खड़ा होगा, तो जो मोदी जी का सपना है इस देश से गरीबी का उन्मूलन भी होगा और भारत मुकाबला कर पाएगा अमेरिका, चीन, जापान, रशिया जैसे देशों का भी, और भारत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से एक सबल राष्ट्र बने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है, क्या कहेंगे सर, कहाँ पहुँचे योग, कहाँ? योग बहुत ऊंचाई तक पहुँचा है और आज भी हम यहाँ पीजीआई में इसलिए आए हैं कि योग, आयुर्वेद और जो भी हमारी ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट सिस्टम है उसको मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ करके हम आध्यात्मिकता और आधुनिकता की एक नई युग की शुरुआत करें। क्या बात है कि डॉक्टर की जरूरत पड़ी है, योग की जीत गई है और प्रधानमंत्री जी ने कहा था खासे नाराज है उससे, काफी माफ, कभी माफ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए जहां तक साध्वी प्रज्ञा का प्रश्न है, उनको खाली शक के आधार पर बहुत अमानवीय यातनाएं की गई, और नाथुराम गोडसे के संदर्भ में उनका जो वक्तव्य था वो मोदी जी को क्या किसी भी भारतीय को नागवार गुजरेगा। सर क्या कारण आप प्रचार से थोड़ा आपने दूरियां बनाई रखी इस बार? मेरा मूल धर्म योग धर्म, अध्यात्म धर्म है। जब इस देश में एक पॉलिटिकल एनार्की और पॉलिटिकल वैक्यूम था उस समय हमने एक बड़ी भूमिका निभाई। अब हम देख रहे हैं कि मोदी जी सक्षम है और उसमें जो हमें कहना चाहिए था बीच में 8-10 बार कह दिया था, आप सब जानते हो। राहुल गांधी अमेठी से हार गए। देखो कांग्रेस पार्टी अनाथ होने से बच गई, ये क्या छोटी उपलब्धि है कि उन्होंने वायनाड से चुनाव जीत लिया। तो ये राजनीति का एक अलग तरह का मामला है। आज विशुद्ध रूप से हम यहाँ पीजीआई में हमारी प्राचीन योग विद्या, अध्यात्म विद्या और जो इस समय की जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, उन दोनों के समन्वय से मनुष्य के लिए क्या हम बेहतर कर सकते हैं उसके संदर्भ में आए, और मुझे विश्वास है अभी यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के जो विश्व स्तर में कार्य हो रहा है उसमें 5 दुनिया के सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल के को वो अवार्ड दे रहे हैं, उसमें पूज्य आचार्य जी को कल स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर ये अवार्ड दे रहे हैं और उनको स्पेशल लेक्चर के लिए बुलाया है। अब यूनिसेफ से लेकर के WHO से लेकर के UNO सभी योग के साथ आयुर्वेद की भी जो महत्ता उपयोगिता उसको स्वीकार कर रहे हैं, और ये पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार
पूज्य आचार्य भाषण जी को कल जिनेवा में यूएन की संस्था के द्वारा दिया जा रहा है और उसमें डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो भी शामिल हैं, उनको भी अवार्ड दे रहे। तो मुझे लगता है योग के बाद अब आयुर्वेद को भी विश्व स्तर पर गौरव मिलेगा और आयुर्वेद को जब एक खाली फूड सप्लीमेंट के तौर पर पूरी दुनिया में मान्यता है, अब उसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर भी दुनिया में हम मान्यता दिलाने में सक्षम हो पाएंगे।